अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो है रमज़ान स्पेशल चिकन चीज़ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। तो हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक अदद चाइनीज़ कैरेट जिसे हमने श्रेड करके रख लिया है, दो अदद हमें शिमला मिर्च, और हमने चिकन को बॉयल करके श्रेड करके तैयार कर लिया है। अब हमने एक पतीली में या एक पैन में दो टेबलस्पून हमने डालने हैं ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने। और आपने फिर इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत डार्क ब्राउन है, जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, सौते करना है आपने इसे। उसके बाद जब ये हल्के से सौते हो जाए तो आपने इसमें चिकन डाल देना है, जो बॉयल्ड श्रेडेड चिकन पड़ा होगा उसे अच्छे से डाल के आपने फ्राई करना है हल्का सा, सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक हुआ है तो आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना। फिर जब ये अच्छे से सौते हो जाए तो फिर आपने इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देनी है। इसमें आपने गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जिनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो हरी मिर्च डाल दें, और जो नहीं पसंद करते ज़्यादा स्पाइसी वो अवॉइड करें, वो स्किप कर सकते हैं स्टेप को। फिर आपने इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, चिली सॉस और सोया सॉस डाल के आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अभी। फिर इसके बाद आपने 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालना है, लहसुन का पाउडर। अब आपने इसमें चीज़ ऐड करनी है। चीज़ का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, मोज़रेला हो या चेडर चीज़ हो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब जब इसमें मेल्ट हो चुका है तो अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी। अब आपने इसे ठंडा कर लेना है। मिक्सचर को अच्छे से ठंडे करने के बाद अब हम रोल बनाएंगे। गर्म मिक्सचर के साथ कभी भी रोल नहीं बनाने। तो अब हमने यहाँ पे एक प्याली में थोड़ा सा आटा लिया है, 2 टेबलस्पून हमने आटा लिया है, और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे पेस्ट बना लिया, जिससे हम रोल की पट्टी को सील करेंगे, बंद करेंगे एंड में। तो हमने यहाँ पे रोल पट्टी ली है और उसमें हमने बीच में छोटी सी एक पतली सी स्ट्रिप रखी है। ये आपने लाजमी रखनी है, इससे आपका रोल टूटेगा नहीं और आपके रोल से मिक्सचर बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह आपने जो मिड वाली पट्टी रखी है उसके ऊपर आपने मिक्सचर रख देना है। अब आपने इसे लेफ़्ट से राइट की तरह से टाइट से बंद करना है और इस तरह एनवेलप की शेप बना लेनी है पहले। और वो जो हमने पेस्ट बना के रखी थी इसको हमने ब्रश से अच्छी तरह लगा देना है, ताकि जब हम रोल को बंद करें तो ये बहुत अच्छे से बंद हो जाए। अब आपने इसे बहुत ही टाइटली बंद करना है ताकि इसमें कोई भी स्पेस ना रहे। अगर स्पेस रहेगी तो इसमें ऑयल चला जाएगा, और जिसकी वजह से ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ये सॉगी हो जाएंगे। जितने टाइट आप रोल बनाएंगे उतने क्रिस्पी आपके रोल बनेंगे। तो ये हमने ढेर सारे रोल बना के रख लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो अब हमने गरम ऑयल में इसे फ्राई किया है, और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आया तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुके हैं। हमारे रोल ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इन्हें निकालेंगे और डिश आउट कर लिया। अब हमने इसको रमज़ान में लाजमी बनाएगा, क्योंकि पकौड़े और समोसा रोल के बगैर तो वैसी ही इफ्तारी अधूरी होती है। तो हमारे रोल बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसे हाफ करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर फिलिंग कितनी अच्छे से सेट हुई है, और ये तभी सेट हो सकती है जब आप इसमें डबल पट्टी रखेंगे। उस वजह से आपकी जो फिलिंग है वो अपनी जगह पे रहती है और रोल से बाहर नहीं निकलती। ये देखिए हमारी फिलिंग भी कितनी अच्छी से हो गई है और रोल भी कितने क्रिस्पी बने। तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इसे केचप के साथ सर्व करें। केचप के साथ वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो इस केचप का भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप केचप भी लाजमी बनाएगा और रोल भी बना के मुझे लाजमी बताइएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।